डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल डू पार्ट सी टिक द करेक्ट आंसर एंड पार्ट डी फील इन द ब्लैंक्स फर्स्टली वी विल डू पार्ट सी टिक द करेक्ट आंसर हेयर फोर सेंटेंसेज आर गिवन टू यू एंड थ्री ऑप्शन आर गिवन फोर ई सेंटेंस यू हैव टू चूज करेक्ट आंसर आपको क्या दिया गया है फोर सेंटेंसेस दिए गए हैं और एक सेंटेंस के थ्री ऑप्शंस दिए गए हैं आपको जो करेक्ट आंसर है उस पर टिक करना है लेट्स रीड आर फर्स्ट सेंटेंस पनीर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट सेंटेंस के है पनीर किस तरह के फूड का एग्जाम्पल है थ्री ऑप्शन आर ऑप्शन ए प्रोटेक्टिव फूड प्रोटेक्टिव फूड कौन सा होता है जो फूड हमें डिसीज से बचाता है जिसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं सेकंड ऑप्शन इज ऑप्शन बी बॉडी बिल्डिंग फूड बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा होता है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है जो फूड हमारी बॉडी में बॉडी की बिल्डिंग में हेल्प करता है ग्रोथ में हेल्प करता है अगर बॉडी में कोई डैमेज हो जाता है कोई इंजरी हो जाती है तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है ऑप्शन सी इज़ एनर्जी गिविंग फूड एनर्जी गिविंग फूड कौन सा होता है वो फूड होता है जिससे काम करने के लिए प्ले करने के लिए एनर्जी मिलती है कोई भी आप काम करते हो उसके लिए एनर्जी मिलती है तो पनीर कैसा एग्जाम्पल है किस तरह के फूड का एग्जाम्पल है बॉडी बिल्डिंग फूड पनीर जो है बॉडी बिल्डिंग फूड का एग्जाम्पल है जो भी फूड आइटम्स मिल्क से बनते हैं वो किसका का एग्जाम्पल होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड का एग्जाम्पल होते हैं सो करेक्ट ऑप्शन इज बॉडी बिल्डिंग फूड लेट्स रीड दिस सेंटेंस अगेन पनीर इज एन एग्जाम्पल हो बॉडी बिल्डिंग फूड लेट्स रीड सेकेंड सेंटेंस राइस एंड कोकोनट आर पॉपुलर फूड ऑफ राइस एंड कोकोनट कहाँ का पॉपुलर मीन्स फेमस फूड है ये थ्री ऑप्शन आर गिवेन टू यू फर्स्ट ऑप्शन साउथ इंडिया सेकेंड ऑप्शन नॉर्थ इंडिया थर्ड ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट इंडिया राइस एंड कोकोनट कौन से एरिया में ज़्यादा होता है साउथ इंडिया में ज़्यादा होता है इसीलिए राइस एंड कोकोनट साउथ इंडिया का पॉपुलर फूड है सो करेक्ट आंसर इज साउथ इंडिया लेट्स रीड दिस सेंटेंस अगेन राइस एंड कोकोनट आर पॉपुलर फूड ऑफ आंसर इज साउथ इंडिया लेट्स रीड आर थर्ड सेंटेंस विच ऑफ दिस इज नॉट अ न्यूट्रियट इनमें से कौन सा न्यूट्रिय नहीं है एन यू टी आर आई ई एन टी न्यूट्रियट मीन्स पोषक तत्व जो हमारी बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए अच्छा होता है हेयर थ्री ऑप्शन आर ऑप्शन ए वाइटामिन और विटामिन ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल सी एच ओ एल ई एस टी ई आर ओएल कोलेस्ट्रॉल ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स सी ए आर बी ओ एच वाई डी आर ए टी ई एस कार्बोहाइड्रेट्स इनमें से कौन सा भोजन है कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं है वाइटामिन कौन से होते हैं जो हमें डिसीज से बचाते हैं ये किस में मिलते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलते हैं कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल जो है वो पोषक तत्व तो नहीं है अगर कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो हमें कोई डिसीज हो जाता है जो बड़े लोग हैं जिनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है उन्हें हार्ट डिसीज़ का भी खतरा रहता है कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं जिन सीरियल्स में कार्बोहाइड्रेट्स होता है पटैटो में है राइस में है कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हो, होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो न्यूट्रिएंट नहीं है कोलेस्ट्रॉल न्यूट्रिएंट नहीं है करेक्ट ऑप्शन इज कोलेस्ट्रॉल सी एच ओ एल ई एस टी ई आर ओ एल कोलेस्ट्रॉल लेट्स रीड आर फोर सन टाइम्स ब्रोकली बी आर ओ डबल सी ओ एल आई ब्रोकली विच वी ईट एज अ वेजिटेबल इज एक्चुअली अ ब्रोकली ब्रोकली क्या होती है ग्रीन कलर की गोभी होती है विच वी इट एज अ वेजटेबल हम ब्रोकली को वेजिटेबल के रूम में खाते हैं इज एक्चुअली है वास्तव में क्या है ब्रोकली जिसे हम वेजिटेबल के रूम में खाते हैं एक्चुअल में क्या है ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज फ्लावर एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर सेकेंड रूट आर डबल ओ टी रूट थर्ड स्टैम्प ऑप्शन सी क्या है स्टैम्प एस टी ई एफ स्टैम्प तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा फ्लावर एफ एल ओ डब्ल्यू आर फ्लावर ब्रोकली जो है एक तरह का फूल ही है एक तरह का फ्लार ही है जिसे हम वेजिटेबल के रूम में खाते हैं डियर स्टूडेंट्स लेट्स रीड ऑल सेंटें अगेन सेंटेंस वन पनीर इज एन एग्जाम्पल हो पनीर किस तरह के फूड का एग्जाम्पल है ऑप्शन ए प्रोटेक्टिव फूड ऑप्शन बी बॉडी बिल्डिंग फूड ऑप्शन सी एनर्जी गिविंग फूड विच ऑप्शन इज राइट यस बॉडी बिल्डिंग फूड लेट्स रीड आर सेकेंड सेंटेंस राइस एंड कोकोनट आर पॉपुलर फूड ओ राइस एंड कोकोलर राइस एंड कोकोनट कौन सी जगह पर कौन से स्थान का पॉपुलर फूड है ऑप्शन ए साउथ इंडिया ऑप्शन बी नॉर्थ इंडिया ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट इंडिया करेक्ट ऑप्शन ए साउथ इंडिया राइस एंड कोकोनट आर पॉपुलर फूड ऑफ साउथ इंडिया ओके लैट्स रीड थर्ड सेंट विच ओ दिस इज नॉट अ न्यूट्रियट इनमें से कौन सा न्यूट्रियट नहीं है ऑप्शन है वाइटामिन ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट वट इज करेक्ट आंसर येस करेक्ट आंसर इज कोलेस्ट्रॉल सी एच ओ एल ई एस टी ई आर ओ एल कोलेस्ट्रॉल लेट्स रेड फोर सेंटाइंस ब्रोकली बी आर ओ Double C-O-L-I broccoli which we eat as a vegetable is actually a broccoli which we eat as a vegetable is actually a Three options are option A flower, option B root, option C stem. Correct option is flower. F-L-O-W-E-R flower. Now we will do part D fill in the blanks. Let's read our first sentence. द होल सेल मार्केट्स डब्ल्यू एच ओ एल ई होल सेल एस एल ई सेल होल सेल मार्किट कौन सी होती है जहाँ पर कोई भी जो सामान है वो सस्ते रेट में मिलता है और ज़्यादा मात्रा में बेचा जाता है द होल सेल मार्केट्स आर ऑल्सो नोन एज आंसर इज मंडीज एम ए एंड डी आई एस मंडीज होलसेल मार्केट कौन सी होती है जैसे अनाज मंडी है सब्जी मंडी है वहाँ पर फार्मर है या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं व्यापारी हैं वो क्या करते हैं अपना जो सामान होता है उस वहाँ पर बेचते हैं वहाँ से जो शॉपकीपर्स है या फिर वेंडर्स है वो सामान को परचेज कर लेते हैं और आप शॉप से सामान खरीद सकते हो या फिर वेंडर से सामान परचेज कर सकते हो

P U R T I आई N proportion is called एक एसिड डाइट जिसमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं करेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं सही मात्रा में होते हैं वो कौन सी डाइट होती है बैलेंस डाइट बी एल ए एन -E बी एल ए एन सी ई डी बैलेंस डाइट -E डी आई ई टी डाइट आ डाइट

फिश खाते हैं मीट खाते हैं एग खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम नॉन वेजिटेरियंस, एन एनो एंड नॉन वी ई जी ई टी ए आर आई ए एन एस वेजिटेरियंस। पीपल हु ईट मीट फिश एग्स एंड सी फूड आर नोन एज नॉन वेजिटेरियंस। लेट्स रीड दिस वर्ड अगेन नॉन एन एनो एंड नॉन वेजिटेरियंस वी ई जी ई टी ए आर आई ए एन एस वेजिटेरियंस लेट्स रीड आर फोर सनटैस प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स वाइटामिन और विटामिन एंड मिनरल्स आर कोल्ड प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट्स है विटामिन है एंड मिनरल्स है आर कोल्ड न्यूट्रिय एंड यू टी आर आई ई एन टी एस न्यूट्रिय प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन एंड मिनरल्स आर कोल्ड न्यूट्रिय डियर स्टूडेंट लेट्स रीड ऑल सनटे अगेन फर्स्ट सेंटेंस द होल सेल मार्किट्स आर ऑल्सो नोन एज मंडीज होल सेल मार्केट्स को हम क्या बोलते हैं किस नाम से पुकारते हैं मंडीज एम ए एंड डी आई एस मंडीज लेट्स रीड आर सेकेंड सेंटेंस अ डाइट कंटेनिंग ओल द न्यूट्रिय इन द करेक्ट प्रपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट बी ए एल ए एन सी ई डी बैलेंस डाइट डी आई ई टी डाइट Third sentence people who eat meat, fish, eggs, and seafood are known as non-valsarians. And non-valsarians, V E G E, T-A-R-I-A-N S non-valsarians. Let's read our fourth sentence. Protein, carbohydrates, vitamins, and minerals are called nutrients. And -E nutrients dear students i hope you all have understood tick the correct answer and fill in the blanks of chapter 10 if anything is not clear to you if any doubt is there you can ask me in comment box thank you